हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स हाउ यू होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल माय सब भवानी सिंह जाधव द फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी इन एंड आई आई वेलकम ऑल ऑफ यू एग्जामपुर टीचिंग स्कूल तो स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर टीचिंग स्कूल पे जहां पे करवाई जा रही है आपकी आगामी सुपर टेट परीक्षा की तैयारी तो एक बार सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्त इस क्लास का लुत्फ उठा पाए गुड इवनिंग हिमेश रेशमिया सर अच्छा जी धन्यवाद नमस्कार 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 सभी को नमस्कार यूपी टेट एक एक नंबर कॉन्ग्रेचुलेशन आप हो गए सिलेक्ट अब लग जाए सुपर टेट में या फिर आपका टीजीटी पीजीटी जो भी है जिसकी भी आप तैयारी करना चाह रहे प्रणाम 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 ठीक है सभी का ले लिया गुड इवनिंग हमेशा सुमित जायसवाल सर जी इतना इंग्लिश कि हम कहीन रहे स्वागत है।, है तुम सबका यूपी टेट, टेट क्लास में एक बार जल्दी से जुड़ जाओ कविता मिश्रा फोर कॉन्ग्रेचुलेशन सर आंसर की दोबारा आएगी क्या देखो जो जो क्लेम करोगा उनकी आएगी बिल्कुल आएगी 108 सर मेरा 93 है कॉन्ग्रेचुलेशन 123 है कॉन्ग्रेचुलेशन ठीक है जिन, जिन को सिलेक्शन हो गया यूपी टेट में कांग्रेचुलेशन एक सौ आठ है मेरे कांग्रेचुलेशन गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जय हिंद जय भारत हाय सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ठीक है तो आज आपको मिला है यूपी की तरफ से ठीक है बहुत बड़ा सरप्राइज ठीक है आपकी जारी हो चुकी है आंसर की ठीक है तो अब जारी हो चुकी है अब ये ढील नहीं रखना कि अब जब आएगा पेपर तब करेंगे तैयारी ऐसे में बहुत सारे लोगों के हो जाती है सर आंसर की दोबारा आएगी क्या मेरे दो क्वेश्चन गलत बता रहे हाँ बेटा आंसर की देखो इनकी तरफ से नहीं आएगी यूपी की तरफ से अगर आप क्लेम करते हो तो ही आएगी अदरवाइज नहीं आएगी सर मेरा 85 फाइव एस सी कॉन्ग्रेचुलेशन सेलेक्ट हो आप सर मेरे मार्क्स कम है शिवांगी चौहान बहुत सारे आंसर उन्होंने गलत दिए ठीक है जिनके लिए उन्होंने बोला अगर आप क्लेम करना चाहे तो क्लेम कर सकते हैं ठीक है देखो अगर आप सेलेक्ट हो ठीक है तो क्लेम मत करो मैं आपसे लोगों से यही गुजारिश करूंगा भले ही आपके मार्क्स कम आ गए ठीक है ये केवल आपका एक क्वालिफाइंग एग्जाम है इसके मार्क्स तो जुड़ने हैं नहीं कहीं है ना तो कहीं पे जुड़ने तो वाले है नहीं कि सुपर टेट में आपके मार्क्स जुड़ेंगे इसके कि आपके कहीं और मार्क्स जोड़ेंगे अगर जुड़ रहे होते तब मैं जरूर कहता कि हाँ भाई क्लेम कर लो अगर आप सिलेक्ट हो गए हो तो बस खुशी मनाओ आप सिलेक्ट हो गए हो ठीक है बट अगर आपका एक दो मार्क्स से रुक रहा है तब आप क्लेम कर सकते हो सर जी सबको मिलेगा नंबर फ्री का नहीं सबको नहीं मिलता जो केवल आपका लगाता है उनको दिया जाता है प्राइमरी में एक सौ तेईस जूनियर में एक सौ तीन सही क्वेश्चन इनके भी आंसर गलत क्यों बता रहे हो बहुत सारे लोग होते हैं ना बेटा वो क्या होता है ना जब आंसर की बन रही होती है तो बहुत सारे बैठ जाते हैं समझ जाओ क्या करके ठीक है अब होता क्या है कि उनको आंसर की दे गई अपलोड करना होगा ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर एक आध दो कर दिया होगा गलत चलो मेघा चौधरी कॉन्ग्रेचुलेशन चलिए तो एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि आपकी क्लास को स्टार्ट किया जा सके ठीक है और जैसा मैंने आपसे बोला था कि अपन करेंगे तैयारी किसकी आपकी ठीक है जीए की ठीक है जीए में मैं आपको बायो ईवीएस ठीक है बेसिक ज्योग्राफी बेसिक पॉलिटी बेसिक हिस्ट्री बेसिक करंट अफेयर ठीक है केमिस्ट्री फिजिक्स सब पढ़ाऊंगा ठीक है तो आज अनफॉर्चुनेटली आज केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं डाल पाया बाकी तो मैंने डाल दिए, ठीक है तो एक बार जल्दी से शेयर कर दो ठीक है और तब तक आपका एक चीज बता देता हूं कि भाई आपका एप्लीकेशन बैच सुपर टेट सफलता बैच लॉन्च हो चुका है जिसकी आपकी डेमो क्लासेस रोज चल रही हैं ये डेमो क्लासेस इकतीस तारीख तक है और इकतीस तारीख तक को आपको इस बैच पे दिया जा रहा है ठीक है टू फोर नाइन नाइन का बैच है जिस जिसपे फ्लैट फोर्टी फाइव परसेंट डिस्काउंट है तो ये बैच आपको पड़ेगा वन थ्री सेवन फाइव का बैच के फायदे सारी क्लासेस लाइव रहेंगी कोई आपकी रिकॉर्डेड नहीं होगी मतलब ऐसा नहीं है कि पहले से रिकॉर्ड करके डाल दें है सारी लाइव मिलेंगी आपको बाद में आप इन क्लासेस को रिकॉर्डेड दे सकते हो ठीक है पीडीएफ मिलेंगी आपको बुकलेट्स मिलेंगी ठीक है डाउट सेशन मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुकलेट्स मिलेगी ठीक है आप ऑफर लेने के लिए आपको बस ये कोड यूज करना है भारत फोर्टी फाइव और आपको जुड़ने के लिए इस बैच से स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल या करना है व्हाट्सएप इसी के साथ आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठाते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे ये पूछ रहा है कि आपका 1974 में पर्यावरण से संबंधित कौन सा कानून पारित किया गया था आप लोगों को यूपी टेट में मैं काफी अच्छे से ये चीज पढ़ा चुका हूं तो आशा करता हूं आप लोग गलत नहीं करोगे तो उन्नीस में पर्यावरण से संबंधित कौन सा कानून पारित किया गया था वन्य जीव अधिनियम जल अधिनियम वायु अधिनियम या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हाँ बेटा पास हो पास हो पास हो बेटा पास हो जो पास है ठीक है अगर देखो 92 बन रहा है 90 पे पास होता है अगर तुम जनरल वाले भी हो तो 90 पे पास होता है ठीक है अगर ओबीसी वाले हो तो 82 पे पास होता है ठीक है एस सी का शायद छिहत्तर या पिछहत्तर रहता है तो पास हो टेंशन ले रहो सर टारगेट बैच की तो काफ़ी वीडियो रिकॉर्डेड और लाइव है तो बेटा उसको तो लॉन्च करते टाइम आपको बोला ही गया था कि इसमें लाइव भी रहेंगी इसमें रिकॉर्डेड भी रहेंगी बट ये वाला बैच पूरा लाइव रहेगा इसमें कोई रिकॉर्डेड नहीं होगी चलो कॉन्ग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेन यूपी टेट वाले रीड दे सकते हैं रीड दे सकते हैं यूपीटेड वाले रीड दे सकते हैं बिल्कुल दे सकते हैं बट द थिंग इज आपको वहां पर कोई भी वो नहीं मिलेगा क्या बोलते हैं जो जनरल वाले वो तो जनरल है ही बट जो ओबीसी uh, वाले वो भी जनरल काउंट किए जाएंगे कांग्रेचुलेशन 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 113 सौ तेरह आउट ऑफ डेढ़ सो कॉन्ग्रेचुलेशन तो बताओ कौन सा आपका अधिनियम पास किया गया था ओके okay बेटा नेशा गुहेर डलवा देंगे चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है इस प्रश्न का जो उत्तर है ठीक है वो आपका है सर सीरीज फ्लिप नहीं किया गया ओ शीट चेक करते टाइम अब बेटा आप क्या बोल सकते हो उसके बारे में यूपी वालों के बारे में मैं ना ही बोलू ज्यादा अच्छा है क्योंकि मेरी वीडियो तुरंत बन जाती है ये देखो बोलते हुए चलो तो 1974 में ठीक है आपका जो पास किया गया था वो पास किया गया था क्या वाटर एक्ट ठीक है, है देखिए कॉपी रखिए किताब रखिए अपने पास कॉपी रखिए और कॉपी पे इंफॉर्मेशन नोट करते जाइए ठीक है जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है आप उसे कॉपी में नोट कर ले तो 1974 में ठीक है आपका आया था जल अधिनियम या फिर जल प्रदूषण अधिनियम और इसके तहत में आपका सीपीसीबी ठीक है दैट इज केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ठीक है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका क्वेश्चन आपका किसमें आया था यूपी टेट में आया था याद करो ठीक है तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय आपका कहां है नई दिल्ली में है साथ ही साथ राज्यों में आपका राजकीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एसपीसीबी की भी स्थापना करी गई थी बाकी आपका वन्यजीव अधिनियम आपका आया था कब 1972 में 1972 में वायु अधिनियम उन्नीस में ठीक है और आपका बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम जिसको हम बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ठीक है ये आया था आपका उन्नीस में उन्नीस नवंबर ठीक है आपका ठीक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में एक चीज और जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है क्या सर एम्पीटेड हो जाएगा इस बेस से जी बिल्कुल हो जाएगा ठीक है आपका जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से जो आपको एक इन्फो याद रखनी है वो याद रखनी है क्या कि इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का एक और नाम है क्या बोलते थे इसे यूपीटेट पढ़ाते थे था, मैंने आपको बताया था क्या बोलते थे इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का दूसरा नाम क्या था क्या बोलते थे इसको <laughs> चलो एक मिनट शुभम सिंह आपकी प्रॉब्लम को मैं नोट डाउन कर लेता हूं ठीक है एक मिनट रुक जाओ भाई जरा इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को सेंड कर दिया शुभम सिंह मैंने आपकी प्रॉब्लम नोट डाउन कर लिए ठीक है वो मैं बोल दूंगा ठीक है टीचरों से बोल दूंगा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है तो इसको किस नाम से जानते थे हम छाता विधान के नाम से जानते थे अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से भी जानते हैं अमरेला एक्ट के नाम से भी जानते हैं अमरेला लेजिस्लेशन अमरेला एक्ट के नाम से भी जानते हैं तो अगर आपसे कोई पूछ ले अमरेला एक्ट कौन सी उसमें आया था तो आप बताएंगे 1986 19 नवंबर तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो आपको इस क्वेश्चन में आपको लग रहा है अभी सर इतनी देर हो गई पहले ही क्वेश्चन पे पर देखो आपको क्या क्या चीज पता लगी आपको यह पता लग गया नाइनटीन में ठीक है आपको क्या पता लग गया इस क्वेश्चन से क्या क्या चीज पता लगी नाइनटीन में आया था वॉटर एक्ट पहली चीज आपको यह पता लग गया दूसरा क्वेश्चन सीपीसीबी की स्थापना किस एक्ट से हुई दूसरी चीज ठीक है आपको यह पता लग गया सीपीसीबी की स्थापना कितन कहां इसका मुख्यालय कहा नई दिल्ली में तीसरा क्वेश्चन ठीक है अगर आपसे कोई पूछ देता है एसपीसीबी की स्थापना ठीक राज है राजकीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड की स्थापना कौन से एक्ट के तहत हुई तो वो भी वाटर एक्ट चौथी चीज आपको पांचवी चीज पता लग गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस सन में आया था 1986 में ठीक है आपको यह पता लग गया ठीक है छाता विधान किसे कहा जाता है ठीक है अम्ब्रेला लेजिस्लेशन किसे कहा जाता है छठवी चीज आपको यह पता लग गया वन्य जीव अधिनियम कितने में आता है सातवां क्वेश्चन आपको यह पता लग गया वायु अधिनियम कितने में आता है नाइनटीन एट्टी वन में आठ क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन से मैंने तुम्हें, तुम्हें आठ क्वेश्चन पढ़ा दिए है ना और कई लोग आते हैं इस वीडियो पर कमेंट करते एक घंटे में केवल बीस ही क्वेश्चन का गांजा फूक क्या है होगा भाई है नशा किया है सस्ता सस्ता मत करो अच्छा वाला करो अगर करना ही है तो है ठीक है एक क्वेश्चन में मैंने तुम्हें आठ क्वेश्चन की इन्फो दी है वो तो काउंट नहीं करते कभी उन्हें भी काउंट कर लिया करो ठीक है छतरी ना खोल बरसात में भीग जाएगी भीगी रात में बहुत बढ़िया चलो तो आंसर टू अब आई चेक करियो इसके लिए भी दे दे भाई इसमें भी चली जाएगी सुपर टेट में कितने पेपर होते हैं एक ही पेपर होता है क्वालिफाइंग होता है क्वालिफाइंग कहता हूं जॉब ओरिएंटेड रहता है चलो अब बताओ आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी इस इस प्रश्न का उत्तर क्या है इस प्रश्न का उत्तर क्या है अरे हर्षित कुमार बेटा फ्लडिंग मत कर भाई बता तो दिया करवा दूंगा जब मैं डेमो दूंगा अपनी क्लास की जैसे कल बायोलॉजी का डेमो है कल नहीं सॉरी परसों बायोलॉजी का डेमो है शाम को कितने बजे है पांच बजे ठीक है तो शाम को पांच बजे वहां पे देख लियो भाई सिलेबस चलो आंसर टू दिस क्वेश्चन सर मैं ओबीसी से हूं एमआर पे ओबीसी नहीं फिल किया होगा आंसर प्लीज क्या होगा बेटा अब ये तुम्हारी किस्मत है अगर वहां पे फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं लिखा हो कि कोई दिक्कत नहीं है जनरल ओबीसी भरने की तो, तो अच्छी बात है अगर आपने नहीं भरा है तो आपका कॉपी तो चेक हो जाएगी ठीक है और अगर उसमें ऐसा कुछ मेंशन है तो कॉपी तो चेक हो जाएगी बट आपको ओबीसी नहीं काउंट किया जाएगा जनरल की कट ऑफ में फाइट करना पड़ेगा तो निम्न में से किस जानवरों को उत्पादकों के अधीन रखा जाता है बहुत बढ़िया ठीक है बहुत बढ़िया मेरे प्यारे राज दुलारो ठीक है आज तुम लोग करके आए हो सस्ता नशा ठीक है तो सबसे पहले ठीक है तुम लोग नजर उतार दी बहुत बुरी छाया था तुम्हारे ऊपर बहुत मजा आया तुम्हारे नलाय को मैं तुम्हें सामने नहीं हो ना वरना एक का गला बीच के यहां पे मार दूं जब हम एनवायरमेंट पढ़ रहे थे ईवीएस पढ़ रहे थे यूपी टेट में मैंने बोला था उत्पादक में रखे जाते हैं क्या पादप उत्पादक में रखे जाते हैं क्या पादप ठीक है तो पादप रखे जाते हैं उत्पादक में उपभोक्ता होते हैं उपभोक्ता में होते हैं आपके क्या जंतु उपभोक्ता में आपके क्या रखे जाते हैं जंतु ये जंतु भी तीन प्रकार के प्राथमिक द्वितीय और आपका शीर्ष ठीक है तो प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता शीर्ष उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो हमेशा कोई ना कोई शाकाहारी जानवर होगा ठीक है जो द्वितीय उपभोक्ता वो हमेशा कोई ना कोई मासाहारी जानवर होगा ठीक है और जो तृतीय उपभोक्ता है जिसको हम एपेक्स प्रीडेटर बोलते हैं जो इस बार यूपी टेट में पूछा है वो हमेशा आपका शीर्ष उपभोक्ता भी मांसाहारी जानवर होगा बट अकॉर्डिंग टू योर कोर्ट अकॉर्डिंग टू कोर्ट अकॉर्डिंग टू कोर्ट कोर्ट के अनुसार आपके यूपी के कोर्ट के अनुसार यहां पर जीवाणु और कवक भी रख सकते हो तो जब जीवाणु और कवक दिए हो ऑप्शन में तो आप वही चूज करिएगा अदरवाइज वो मांसाहारी जानवर जिसका शिकार ना किया जा सके जिसका शिकार ना हो ठीक है जिसका शिकार ना हो वो होते हैं आपके क्या शीर्ष उपभोक्ता जो एपेक्स प्रीडेटर की डेफिनेशन होती है जितने भी बड़े बड़े लेक्चरर देते हैं ठीक है आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह के ठीक है बट कोई बात नहीं हम तो भारत में रहे हम हमको का मतलब ऑक्सफोर्ड से तो कायदे से यहां किसी को नहीं रखा जाएगा नन नन विल बी द राइट आंसर तुमने जाने कौन सा नशा कर लिया है आ गई क्या हाँ बेटा आ गई है ठीक है तो जिराफ कहां रखा जाएगा जिराफ रखा जाएगा आपका किसमें प्राथमिक उपभोक्ता पे शेर कहां रखे जाएंगे शेर का शिकार नहीं होता तो ये शीर्ष उपभोक्ता में रखे जाएंगे सांप कहाँ रखे जाएंगे सांप का मिशा, शिकार होता है ये केवल मांसाहारी जानवरों में रखे जाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता में रखे जाएंगे तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी चलो नेक्स्ट थिंग इज अगला क्वेश्चन ठीक है अगला प्रश्न आपसे ये पूछते हुए कि रुधिर की श्यांता किसके कारण होती है ठीक है रुधिर की श्यांता या फिर आप इसी को बोलते हो गाढ़ापन तो जो ब्लड का गाढ़ापन है वो किसकी वजह से होता है आपने देखा होगा हमारा ब्लड जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा रहता है ठीक है थोड़ा सा गाढ़ा होता है और इस गाढ़ेपन की वजह से आपका बेसिकली ठीक है ब्लड आपका ठीक है थोड़ा सा कोलोइडल सोल्यूशन है सर जी प्लीज बता दो क्या बता दो भाई डी के सागर डेमो दे दो परचेज करूंगा जब पता तो चला किस्सा पढ़ाते हो भाई एसआर क्रिएशन पहले से डेमो चालू है आज भी डेमो थी कल ले लेना सुबह नौ बजे से डेमो चालू हो जाती है ठीक है नौ से बारह मिलेगी फिर आपको पांच बजे से मिल लेके आठ बजे तक डेमो मिलेगी और कितने डेमो दे दे बता दे भाई हाँ बहुत आंसर गलत है हमें पता है बहुत सारे आंसर गलत डाल दिए अब क्या करें मैथ क्लास है ये क्या तुम्हें हम मैथ यहां ऐसा दिख रहा है तुम्हें पढ़ाते हुए कि सात तेरह इंटू सात सात इक्कीस सात एकम सात तो अट्ठाइस आंसर आता है क्या तुम्हें ऐसे मैथ पढ़ाते हुए दिख रहा है हम तुमको गजब तुम आज तक जी नहीं पता कर पाए कि मैथ क्लास कैसी होती है और वो कैसी होती है मैंने टेट में डेढ़ सौ की जगह सौ अटेम्प्ट किया है अब बेटा वो तुम्हारी किस्मत है चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी इस इस प्रश्न का उत्तर जो है मैथ क्लास डिस्क्रिप्शन में और आप क्या पढ़ा रहे हो भैया डिस्क्रिप्शन में दिखाइए क्या है अब सुपर टेड मैथ क्लास किसने लिखा है ओ भैया एक मिनट रुक जा नीचे लिखा है मैथ की क्लास रुक जा ओ भाई चेक तो कल्ले लिखा क्या है गलती से लग गया भाई अभी उसे सही कर रहे हैं गलती से लग गया उसे सही कर रहे हैं रोक जा हाँ मैं तो लिखा है वो हमारे यहां भी कुछ है जो पी लेते हैं बढ़िया क्वालिटी का सस्ता नशा चलो पढ़ो तो रुधिर की शांत किसके कारण होती है ठीक है आपका विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज ड्यू टू ग्लोबलिन सिरम फाइब्रोनोजन कोई नहीं तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी इस प्रश्न का उत्तर ठीक है देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लगा रहे हो सिरम ठीक है बट कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा रहता सिरम की वजह से होती है हालांकि सिरम के अंदर वो चीज मौजूद रहेगी ठीक है।, है तो आपका जो रक्त है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है वो होता है प्रोटीन की वजह से अगर आपसे प्रोटीन का नाम पूछे फिर प्रोटीन का नाम क्या होगा प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन जो कि ऑप्शन में नाप का नहीं दिया गया ठीक है तो ऑप्शन में एल्ब्यूमिन नहीं दिया गया तो डी विल बी द राइट आंसर तो ये आंसर होगा ठीक है पर इन सब के क्या रोल होते हैं फाइब्रेनोजन ये आपका थक्का जमाने में मदद करता है ठीक है लिख लेना कहीं कॉपी में थक्का जमाने में थक्का जमाना क्या होता है जब आप बाबू सोना से नाराज होकर अभी आशको के नवरात्र आने वाले ब्लेड ब्लेड से काट लोगे आई लव चुनिया आई लव लल्लन ठीक है तो उस टाइम आपकी बॉडी में एक हीलिंग की प्रक्रिया है ठीक है एक चोट भरने की प्रक्रिया उसको हम बोलते हैं थक्का जमाना सिरम क्या होता है ठीक है थक्का जमाने के लिए ये प्रोटीन आवश्यक होता है अगर आप रक्त के प्लाज्मा में से रक्त का तरल भाग जो होता है ठीक है उस तरल भाग को हम बोलते हैं क्या प्लाज्मा और एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रक्त में कितना प्लाज्मा होता है तो याद रखना पचपन से साठ परसेंट ठीक है तो इस रक्त के प्लाज्मा में से आप एक प्रोटीन हटा दो इस प्रोटीन का नाम क्या है ठीक है इस प्रोटीन का नाम क्या है आपका ये प्रोटीन माइनस कर दो जिसका नाम क्या है फाइब्रेनोजिन ठीक है तो प्रोटीन हटा दो इस प्रोटीन का नाम क्या है फाइब्रेनोजिन ठीक है तो जो बचता है उसको हम बोलते हैं सिरम और आप सभी लोगों ने जब आपके घुटने वुटने पे चोट वोट लग जाती है तो चोट वोट लगते टाइम पे देखा होगा उस चोट वाली जगह से एक हल्का सा पीले रंग का द्रव रिसाब कर रहा होगा उसी पीले रंग का दम, द्रव का नाम क्या होता है सिरम होता है फिर इसका क्या नाम क्या होता है ग्लोबुलिन का काम क्या होता है ग्लोबुलिन आपके शरीर के भीतर में ठीक है जो ग्लोबुलिन है वो आपके शरीर के भीतर में आपका क्या करता है बेसिकली प्रतिरोधक है ये आपको ठीक है डिजीज से लड़ने में मदद करता है ठीक है जो आप सुनते हो एंटीबॉडीज इसी एंटीबॉडीज को हम क्या बोलते हैं ग्लोबुलिन बोलते हैं तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 83 में पास हो पास हो हो बेटा श्वेता चौधरी नंबर नहीं ऐड होगा नहीं ऐड होगा केवल पास चाहिए उन्हें टेंशन मत लो ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी कोई नहीं चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा रहा है पारिस्थितिकी के जनक कौन है ठीक है पारिस्थितिकी इकोलॉजी को हम बोलते हैं इंग्लिश में ठीक है तो हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी विलियम रैंकिन लिंडरमैन न्यूटन या फिर ओडम ओडम नहीं है ओडम 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 बताओ एक बार सिरम फिर बता दीजिए देखो जब बेटा चोट लगती है तो हमारी बॉडी में क्या होता है ब्लड के अंदर में एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं ठीक है ये प्लाज्मा में कैसा होता है ये प्लाज्मा के अंदर सोल्युबल होता है घुलनशील होता है जब तक आपका ये ब्लड में सोल्यूबल रहेगा घुलनशील होगा आपका रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा अब क्या होगा आपने यहां काट दिया चोट लग गई गिर पड़े बाइक से ठीक है तो उस टाइम ब्लड बहना चालू होता है जैसे ये फाइब्रीनोजन आपका कुछ चीजों के कॉन्टेक्ट में आता है ये होने लगता है कैसा ठीक है तो उस प्लाज्मा में ये कैसा होने लगता है थोड़ी देर के लिए ये कैसा हो जाएगा अघुलनशील हो जाएगा अब इसी अघुलनशील आपके इसी अघुलनशील फाइब्रनोजन को हम बुलाते हैं क्या फाइब्रिन ठीक है इसका दूसरा नया नाम क्या हो जाता है फाइब्रिन हो जाता है इस टाइम हम इसे फाइब्रिन बुलाता है और यही फाइब्रिन आपने कहीं मेरी चोट लगी है क्या देख ली नहीं है बहुत दिन से लगी नहीं है यही आपने, अपने शरीर की त्वचा के ऊपर एक काली सी पपड़ी चपड़ी ठीक है खुरन के फॉर्म में देखी होगी तो जब आप चोट लग जाती हो उस जगह पे ऐसा ऐसा काला हो जाता है तो ये जो काला है जिसको आप थक्का बुला रहे हो इसी को अपन बोलते हैं क्या साइंस में फाइब्रिन ठीक है तो एक्चुअली में हुआ क्या आपके जो प्लाज्मा में ठीक है ये फाइब्रिनोजन था ये फाइब्रिनोजन था जो कैसा था ठीक है जो कैसा था आपका था, अघुलनशील था ठीक है? वो एक्चुअल में चेंज हो गया किसमें सॉरी घुलनशील था सोल्यूबल था वो एक्चुअली में चेंज हो गया एक इनसॉल्युबल प्रोटीन में अघुलनशील प्रोटीन में इस अघुलनशील प्रोटीन का नाम है क्या फाइब्रिन और यही फाइब्रिन आपको दिखने लगती है तो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन हटा दो जो चीज बचती है जो लिक्विड बाहर निकल रहा है चोट के टाइम पे ब्लड हटने के बाद उसको हम कहते हैं सिरम तो जहां चोट लगी होती है आपने एक व्हाइट व्हाइट कलर का लिक्विड या फिर पीला रंग का जो लिक्विड निकलता हुआ देखा है उसको हम बोलते हैं क्या सिरम गुड इवनिंग गुड इवनिंग इवनिंग हाँ बेटा देखो यूपी टेट में अगर आपके नब्बे नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में बयासी नंबर आ रहे हैं ओबीसी में ठीक है तो आप पास हो बस आप बोल रहे हैं 113 आ रहा है क्या मैं पास हो क्या पास हो बेटा बहुत बढ़िया नंबर है 113 में से चलो तो इकोलॉजी जो है आपका इसके फादर कौन है इसके जनक कौन है आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी हाँ बेटा सेवेंटी नाइन में एस सी से पास हो पास हो पास हो चलो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है ओडम ओडम जो है ठीक है इनको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी का जनक ठीक है विलियम रैंकिन ने क्या दिया था इन्होंने आपका ठीक है ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया था ऊर्जा संरक्षण का नियम ठीक है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिया था लेंडरमैन ने क्या किया था दस प्रतिशत एनर्जी का नियम दिया था दस प्रतिशत ऊर्जा का नियम दिया था यह भी आप पढ़ चुके हो कब यूपीटेट के टाइम पे ठीक है न्यूटन ने क्या दिया था गति के नियम दिए थे लॉ ऑफ मोशन दिए थे गति के नियम ठीक है ओडम आपके क्या है पारिस्थितिकी के जनक है ठीक है बट अगर आपसे कोई पूछे भारतीय पारिस्थितिकी के जनक तब आप क्या आंसर लगाओगे तो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है भारतीय पारिस्थितिकी के जनक ठीक है तो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है मेरे 135 है कॉन्ग्रेचुलेशन सुपर टेट कब होगा अब बेटा एससी वालों के चौहत्तर या पिछहत्तर रहता है बेहत्तर या चौहत्तर एग्जैक्ट मेरे को भी याद नहीं आ रहा ठीक है एस वाला शायद सेवेंटी टू पर रहता है एस सी एस टी ठीक है तो इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन है इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन है बाबा ए हिंद प्रणाम 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 इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन है ये बताओ वेरी गुड तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है इंडियन इकोलॉजी के जो फादर है वो है आपका रामदेव मिश्रा आर मिश्रा। तुम्हारी तुम्हारी साइड साइड के के हैं, के दिल्ली में रहते हैं। तो आर मिश्रा इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी ठीक है तो आर मिश्रा इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इनफेंसी में आंसर सिक्स ईयर लगा है ये जब कल आपकी आंचल मैम की क्लास हो तो आंचल मैम से बोलना मैम हमको इसका प्रूफ दे दो जहां किताब में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर और बुक नंबर ठीक है ताकि हम इस पर क्लेम ले सके ठीक है बट अगर तुम पास हो यूपी टेट में अगर तुम्हारे नब्बे से आ रहे या फिर ओबीसी के हो तो बयासी आ रहे हैं या फिर एस सी एस टी बहत्तर या चौहत्तर रहता है उसका एस सी एस टी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा उतने आ रहे हैं तो फिर मत लगाओ ज्यादा दिमाग मत चलाओ क्योंकि केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है मार्क्स कहीं नहीं जोड़ने वाले यूपी टेट के नहीं बेटा एस सी एस टी का एस सी का अलग रहता है ओबीसी का शायद ब्यासी रहता है चलो मैं कंफर्म कर लेता हूँ छोड़ो कंफर्म कर लेता हूँ सनी सर बता देंगे अभी मेरे को जस्ट वेट करो मैं कॉल कर लेता हूँ सनी सर को चलो भाई सनी सर से बात हो गई है देखो भाई एस सी एस टी ओबीसी तीनों के लिए सेम कैटेगरी है एट्टी टू सी टेट ओ चाहे यूपी टेट हो ठीक है और जनरल के लिए जो है वो है आपकी 90 ठीक है तो सी टेट यूपी टेट में एट्टी टू मार्क्स चाहिए होते हैं आपके किसके लिए एस सी एस टी ओबीसी के लिए और जनरल के लिए आपके 90 चाहिए होते हैं ठीक है तो अगर आपका इतना आ रहा है तो आप पास हो इतना आ रहा है तो आप पास हो चलो नेक्स्ट थिंग आपका अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर जनित बीमारी है ठीक है विच वन ऑफ दम फॉलोइंग इज ए वैक्टरबोर्न डिजीज ठीक है अब देखो पहले समझो वेक्टर क्या होते हैं ठीक है वेक्टर क्या होते हैं देखो एक वर्ड होता है कैरियर एक वर्ड होता है कैरियर और एक वर्ड होता है वेक्टर हिंदी अगर हम दोनों की करें अगर आप किसी भी किताब में हिंदी पढ़ोगे तो इसको हम वाहक बोलते हैं इसको भी हम वाहक बोलते हैं ठीक है दोनों की हिंदी क्या है वाहक इसलिए मैंने वहां पर वेक्टर लिखा अदरवाइज में कैरियर होता तो कैरियर लिखा रहता बट अगर आप साइंस के रूप से देखोगे विज्ञान के रूप से देखोगे तो दोनों चीज अलग अलग होती है ठीक है कैरियर क्या होते हैं ठीक है कैरियर क्या होते हैं कोई भी नॉन लिविंग थिंग होती है कोई भी चीज जो नॉन लिविंग होती है निर्जीव होती है उसको हम बोलते हैं क्या ठीक है कैरियर वेक्टर क्या होते हैं कोई भी चीज जो आपकी लिविंग थिंग होती है जैविक चीज होती है उसको अपन बोलते हैं क्या वेक्टर ठीक है फॉर ए काइंड ऑफ एग्जाम्पल अगर मैं एक उदाहरण दू अस सपोज मुझे टीवी है हा? मुझे टीवी है तुम मेरे से पढ़ने आए ठीक है ऑफलाइन में तुमने कहा सर ये बता देना जरा ठीक है जे वाला क्वेश्चन बता दो मैंने कहा दिखाइया खासा बहुत तेज थे ठीक है इस खासने से क्या हुआ मेरी बॉडी के अंदर जो टीबी के बैक्टीरिया थे वो इस वायु में आ गए ठीक है और आप उसी टाइम मेरे बगल में खड़े हुए थे ठीक है आपने उस वायु को क्या कर लिया इनहेल कर लिया तो वायु क्या हुआ मोड ऑफ ट्रांसमिशन हुआ तो वायु आपकी कैसी है नॉन लिविंग थिंग है वो आपकी कैरियर जनित रोग है ठीक है बट ठीक है जब तुम है ना तुमको पता लग गया सर को टीवी है सर को टीवी है तुमने क्या कर लिया मास्क लगा लिया जब मास्क लगा लिया ठीक है तो मैंने ऐसे खांसा जब तुम्हारे ऊपर ठीक है खांस दिया तुम्हारे ऊपर अब जो एयर था एयर के थ्रू ये बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर हुआ बट उस मास्क ने रोक लिया तुम तो बच गए बट इतनी देर में क्या हुआ उधर से कोई ना कोई ठीक है कोई मलेरिया का मच्छर आके पप्पी दे गया तो तुमको हो गया मलेरिया तो वो होते हैं आपके लिविंग थिंग वो मच्छर गया था लिविंग थिंग था वो होते हैं आपके वेक्टर जनित रोग तो दो तरह के, -के रोग होते वेक्टर जनित रोग और आपका कैरियर जनित रोग हिंदी में दोनों को वाहक जनित रोग ही बुलाते हैं तो अब बताओ आंसर क्या होगा <coughs> नहीं बेटा 76 79 पे पास नहीं है 82 चाहिए एससी एसटी के लिए ठीक है एससी एसटी के लिए 82 चाहिए चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डेंगू ठीक है डेंगू सी ठीक है डेंगू जो कि आपका फैलाता है कौन दैट इज आपका एक मच्छर जिसको हम बोलते हैं मादा एडीज या फिर आप इसको बोलते हैं टाइगर मच्छर क्योंकि इसके शरीर पे आपकी क्या दिखती है धारिया दिखती है और कल भी आपको मैंने इसका क्वेश्चन बताया था ये आपका बहुत थोड़ा स्पीड बढ़ाओ योग्यता भारद्वाज मेरी ना तो ट्रेन छूट रही है ठीक है ना तो मेरी ट्रेन छूट रही है और ना मेरे को कहीं जानना है, है तो अपन जो स्पीड है अपनी उसी में पढ़ाएंगे भाई तुम्हें अगर धीरे लग रही हो क्लास तुम बाद में देख लेना बड़ा बड़ा के स्पीड लगा के हैं हमको समझाना है लोगों को हमको केवल यह नहीं करवा रहे इसका आंसर ए होगा इसका आंसर बी होगा इसका आंसर सी होगा इसका आंसर डी होगा इसका ई होगा ठीक है तो मैं पता था आज तक जिंदगी में कभी पता था वेक्टर और कैरियर में अंतर का होता है अब कभी पूछ लेगा तो बता तो पाओगी है कि कल को जब क्लास में टीचर बन जाओगे तुम लोग ठीक है एकदम से वो बच्चा खड़ा हो गया मैडम वो वो डाउट है हमको डाउट जे ये बैक्टर कहीं जगह बैक्टर लिखा रहता है कहीं जगह ये कैरियर लिखा रहता है ठीक है तो हम यहां वो करने नहीं आए बच्चों के दिमाग में बैठना भी चाहिए भाई तुम होगी फास्ट लर्नर होगी तुम हर कोई फास्ट लर्नर नहीं होता ना चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डेंगी और डेंगी का जो वेक्टर है वो वेक्टर कौन है मादा एडीज या फिर टाइगर मॉस्किटो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी नेक्स्ट थिंग इज निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ठीक है विच वन ऑफ दम फॉलोइंग इज ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया शिगेला स्ट्रेप्टोकोकस जेंटोमोनास नोस्टो सर दूसरों की नकल मत उतारो ओके okay. नीलम राणा तुम्हारी नकल उतार रहा हूं मैं है? तुम्हारी नकल उतार रहा हूं बताओ इसका बताओ इसका आंसर क्या आएगा गूगल बाबा से पूछ लेंगे बेटा हर चीज गूगल पे भी नहीं लिखी रहती है गूगल पे अगर चार क्वेश्चन मैंने बता दिए ना ढूंढने को जिंदगी बीत जाएगी गूगल पे मिलेंगे नहीं उसके लिए तुम्हें खुद रिसर्च करनी पड़ेगी क्वेश्चन ढूंढ लेना जो मैं बता दू गूगल पे अगर मिल जाए तो वेरी गुड चलो तो जब हम पढ़ रहे थे जब हमने यूपी टेट में नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा था नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ा था तब मैंने आपको कईय सारे बैक्टीरिया कईयों सारे जीवाणुओं के नाम याद रखवाए थे कौन कौन से नाइट्रोसोमोना रात को सो गई मोना और याद रखने की ट्रिक भी बताई थी ठीक है नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसोमोनास रात को सो गई मोना ठीक है नाइट्रोकोकस रात को चोकस नाइट्रोकोकस रात को चोकस दैट इज नाइट्रोकोकस मोना स्यूडो मोना ठीक है स्यूडो का मतलब क्या होता है साइंस में स्यूडो मतलब होता है झूठा तो झूठी है मोना दैट इज सुडो मोना या फिर ऐसे नहीं याद रख पाओ तो ऐसे याद कर लो सुई दो मोना ठीक है इसको सी दो मोना मतलब कोई कपड़ा दिया तुमने उसको सी दो मोना मोना प्लीज सिल दो इसे ठीक है आजाटो वेक्टर ठीक है आजा टो बो वेक्टर ठीक है मैंने याद करवाया था एक गाना क्यों किया तूने मेरे प्यार को कह दी गोली मार दू मैं तुझको डाकू डैडी किसने गाया था इश्क वेक्टर ने तो उसी को पार्टी में बुलाओगे तो क्या फोन करके बुलाओगे आजा तू वेक्टर दैट इज एजैटो तो वेक्टर अगर वो रिप्लाई करे नी आरा वेक्टर तो नाइट्रो वेक्टर नी आरा वेक्टर तो नाइट्रो वेक्टर, नाइट्रो वेक्टर, ठीक है क्यों नहीं आ रहा वेक्टर क्योंकि कल स्टेडियम में उसका शो था क्लोस्ट्रेडियम ठीक है कल स्टेडियम में क्या है उसका शो है क्लोस्ट्रेडियम क्लोस्ट्रेडियम ठीक है फिर अज्जू भैया स्पायरल वाले एजोस्पायरलम अज्जू भैया स्पाइरल वाले एजोस्पायरलम नो no स्टॉक कोई स्टॉक नहीं बचा मेरे पास तो नो स्टॉक नो स्टॉक ठीक है और जब दो लड़कियां आपस में मतलब किसी लड़के को मारने जाती है तो क्या बोलती है आना बीना ठीक है मतलब आना बहना साले को देख के आते हैं तो ऐना बीना ऐना बीना, बीना तो ये सारे आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसके अलावा आपको राइजोबियम तो याद हो गई तो इनमें से ढूंढ लो कोई है कि नहीं शिगेला है यहां पे, शिगेला है नहीं है गलत हो गया स्ट्रेप्टोकोकस है यहां पे, नहीं है गलत हो गया जानतू है मोना है जैंथु मोना जा, कोई जानतु मोना नाम की नहीं है तो नोस्टॉक है नोस्टॉक है यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, इस प्रश्न का उत्तर जो है दैट इज डी ठीक है तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है डी 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 चलो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे यह पूछता होगा कि शहद मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है ठीक है मधुमक्खी पालन को सबसे पहले बताएं क्या कहते हैं मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं वॉट इज द मीनिंग ऑफ रियरिंग ऑफ बीस इसको अपन साइंस में किस नाम से जानते रियरिंग ऑफ बीस इसको क्या बोलते है? अगर आप इसका आंसर बता दोगे तो इसका तो बता ही दोगे सर प्लीज बताए कि सुपरटेड में फीमेल एज क्या होती है जनरल फीमेल की आ, कितनी थी अरे यार सनी सर ने पूरा वीडियो बनाया उसमें देख लो मेरे को खुद याद नहीं आ रहा हूं ठीक है तो शहद पालन को क्या बोलते हैं विटीकल्चर अरे वो नलायक विटी अंगूर के पालन को बोलते विटी शहद पालन को अपन क्या बोलते हैं एपीकल्चर बोलते हैं ये आपने सी टेट में भी पढ़ा ये आपने यूपी टेट में भी पढ़ा ठीक एपी है एपीकल्चर बोलते हैं और जो मधुमक्खी है उसका वैज्ञानिक नाम भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है एपिस इंडिका ठीक है एपिस इंडिका ठीक है फिर मैंने आपको ये भी बताया था ओरी मोरी मैया बॉम्ब ठीक है ये किसका बताया था ठीक है ये आपका था सिल्क बॉम्ब का ठीक है, रेटस रेटस आपका चूहे का है और होमो होमोविलिस आपका प्राचीन मानव का एंशंट ठीक <hars call> है जो प्राचीन मानव है उनका नाम है होमो होमोवेलिस हम लोगों का नाम क्या है आधुनिक मानव का नाम क्या है मॉडर्न मैन का नाम क्या होता है आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है आधुनिक मानव का आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है सिक्स का स्क्रीनशॉट लेने दे अच्छा ये ले 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 बेटा स्क्रीनशॉट ले ले। बेटा, वहां पे भी ऐसे ही पढ़ाएंगे ले बेटा आकांक्षा पांडे जल्दी ले ले तो वेरी गुड आधुनिक मानव का ठीक है जो नाम है वैज्ञानिक नाम आधुनिक मानव का आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस ठीक है तो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है क्या होमोसेपियन हो ठीक है तो होमोसेपियंस बोलते हैं हम सबका नाम है होमोसेपियंस और एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार ये जो नाम है ये जो नाम है आपका सेपियन ये किस वैज्ञानिक ने दिया होमोसेपियन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया कोई बता सकता है होमोसेपियन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था होमोसेपियन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था होमोसेपियन सेपियन, ह्यूमन नहीं बेटा नित्यानंद होमोसेपियन सेपियन बता रहे हो तुम लेमार्क ने बताया था होमोसेपियन है होमोसेपियन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था कोई बता सकता है वेरी गुड ठीक है तो होमोसेपियन ये जो नाम है ये आपके एक वैज्ञानिक ने दिया जिनका नाम था कैरोलस लीनियस तो कहीं पे लिख लेना क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आधुनिक नाम जो इंसान को दिया गया वो किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया तो आप बताओगे आंसर इज कैरोस लीनियस चलिए नेक्स्ट थिंग इज दिए गए कारक को सीमित करने का नियम ठीक है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया ठीक है व्हाट इज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर का लॉ समझने के लिए एक बहुत प्यारी सी रिएक्शन आप सभी ने देखी होगी सिक्स सीओ टू प्लस ट्वेल्व एच टू ठीक है ये सूर्य के प्रकाश सूर्य प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में हरित लवक की उपस्थिति में बनाती है क्या सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सिक्स ऑक्सीजन जो कि आपकी पर्यावरण में रिलीज हो जाती है प्लस वाटर किस चीज की रिएक्शन लिखी है यह मैंने किस चीज की रिएक्शन लिखी है मैंने सर मेरा आंसर एग्जाम पंचायती रवि क्या हो गया कौन सा आंसर दू सर आपकी चोटी नहीं दिखाई देती आप थोड़ा बाल तो बढ़ने दो तब तो वो दिखाई देगी <coughs> ये किस चीज की रिएक्शन लिखी अपन ने बोर्ड पे बताओ किस अभिक्रिया की लिखी है वेरी गुड तो ये जो रिएक्शन है ये प्रकाश संश्लेषण की लिखी ठीक है थीके? अब सीमित घटक का सिद्धांत क्या कहता था सीमित घटक का सिद्धांत यह बोलता था ठीक है कि सपोज करो अगर यह रिएक्शन ऐसे ना होती ये रिएक्शन यह होती है फाइव सीओ टू प्लस ट्वेल्व एच टू ठीक है सूर्य के प्रकाश और हरित लवण की उपस्थिति में तो क्या यह रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी क्या यह रिएक्शन क्या यह अभिक्रिया कंप्लीट हो पाएगी ठीक है अगर ये रिएक्शन ये ना हो के ये अभिक्रिया ये होती पांच कार्बन डाइऑक्साइड के अनु बारह जल के अनु के साथ मिलके हरित लवण और सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होते हैं तब आपका क्या ये रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी सर आयोग महा मांसाहारी मान रहा है उत्तर जीवाणु मनवा दो एक नंबर बढ़ जाएगा आयोग बेटा सही है आयोग सही है जब पहले आया था एक क्वेश्चन तब कोर्ट ने है ना बदल दिया था किसी ने दिया होगा हम चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि 99.9 परसेंट आपका जीवाणु सही हो सकता है बट मैं अपने पर अड़ा रहूंगा इसका शीर्ष मासह ही आंसर है नहीं वेरी गुड तो ये रिएक्शन नहीं चल पाएगी क्यों क्योंकि यहां छह कार्बन है यहां पे भी छह कार्बन है बट यहां पांच कार्बन आ जाएंगे तो ग्लूकोज सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा तो कितने से कमी हुई एक कार्बन डाइऑक्साइड से कमी हुई ना तो इस सीमित चीज ने इस पूरी अभिक्रिया की दर को निर्देशित कर दिया इसी को हम बोलते सीमित घटक का सिद्धांत कि कोई भी इकोलॉजिकल रिएक्शन कोई भी पारिस्थितिकी प्रक्रिया ठीक है को आपका बेसिकली उस अभिक्रिया में मौजूद कोई भी सीमित पदार्थ उस अभिक्रिया की दर को दर को मतलब स्पीड को गवर्न कर सकता है यहां एक कार्बन डाइऑक्साइड अनुपस्थित है एक कार्बन डाइऑक्साइड और होता तो यह अभिक्रिया तुरंत हो जाती बट एक कार्बन डाइऑक्साइड जब तक नहीं आएगा तब तक यह अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी यह था आपका सीमित घटक का सिद्धांत यह दिया था आपका किसने आपके ब्लैकमैन ने दिया था ठीक है लिंडरमैन ने आपका क्या दिया था दस प्रतिशत ऊर्जा अधिनियम दिया था अभी बताया था टेन परसेंट ऊर्जा अधिनियम गॉस ने आपका क्या दिया था गौस ने आपका गौस का सिद्धांत दिया था गौस सिद्धांत दिया था जो कि आपका किसके ऊपर था बेसिकली <coughs> जो कि आपका किसके ऊपर था बेसिकली गौस का सिद्धांत किसके ऊपर था निश के ऊपर आला के ऊपर कि दो विभिन्न प्रजाति के लोग एक समय पे एक टाइम नहीं बैठ सकते एलन ने क्या दिया था एलन का नियम दिया था एलन का नियम क्या बोलता है ठंडे और गर्म इलाके की बात करता है कि गर्म इलाके की जो जानवरों की एक्सट्रीमिटीज होती है हाथ पैर जो होते हैं बड़े होते हैं ठंडे इलाके के जानवरों की एक्सट्रीमिटीज छोटे होते ठीक है थीके? वही याद करो मैंने बताया था तुम्हें कि अफ्रीकन अगर लोगों को देखोगे अफ्रीका इक्वेटर से गुजरता है तो अगर उनके लोगों को देखोगे उनके हाथ पैर देखोगे बॉडी साइज देखोगे यो सस्तार वी हैव अ लॉन्ग लॉन्ग बॉडी साइज एंड यू आर द स्मॉलर वन ठीक है और वही अगर तुम नॉर्थ ईस्ट वालों को देखोगे गोरखा को मैं उगा उगा, उगा, सब सोता है के भी सोती है चेहरा भी सोता सोता है हाथ पैर सब सोता सोता है क्योंकि हम सब साब्जी एलन के नियम को फॉलो करते हैं ठीक है थीके? तो, तो दैट इज आपका एलन रूल ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी नेक्स्ट थिंग इज कौन सा प्रोटोकॉल जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल या फिर बॉन सम्मेलन हाँ पास हो एक का बताओ यूपी टेट का रिजल्ट कब तक आएगा आ तो गया आज और कैसे दे दे अब अलग से तुम्हें चिट्ठी लिख के भेजा कि हमने दे दिया रिजल्ट तो बताओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है तो जैव विविधता से रिलेटेड आपका जो अधिनियम है वो आपका कौन सा है बताइए ये भी हमने पढ़ा हुआ है सारी चीज पढ़ाई हुई है तुम्हें फिर भी तुम लोग गलत करते हो तो दिल दुखता है यार चलो देखो कभी भी आपका जैव विविधता की बात आए जैव विविधता की आपको ऑप्शन में तीन सत्रों में से एक सत्र ढूंढना है या तो आपको तीन नहीं चार चीजों में से ठीक है या तो आपको देखना है क्या रियो सम्मेलन क्यों क्योंकि इसी रियो सम्मेलन के भीतर में बात हुई थी किसकी आपका जैव विविधता सम्मेलन की जिसको हम सीबीडी के नाम से जानते हैं ठीक है सीबीडी के नाम से जानते ठीक है ये नहीं दिया हो तो आपको ढूंढना है कार्टा जेना कार्टा जेना प्रोटोकॉल ठीक है और ये भी नहीं दिया हो तो आपको देखना है क्या नागोया प्रोटोकॉल ठीक है अब देखो लो कौन कौन से ऑप्शन में ठीक है तो जितने लोग क्योटो लगा रहे हैं भैया वो तो नाच लो ठीक है क्यों क्योंकि गलत हो गया अपनी क्लास का रूल है भाई ठीक है जब भी गलत हो जाए क्या करो ऐसे हाथ उठाओ कमर पर रखो दो ठुमके मारो नाचो ठीक है गलत हो गया मॉन्ट्रियल आपका ओजोन से रिलेटेड है ये जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है ये प्रवासी पक्षियों के ऊपर होने वाला सम्मेलन है जर्मनी का इसको हम वॉशिंगटन सम्मेलन भी कहते हैं इसको हम वॉशिंगटन सम्मेलन भी कहते हैं किसे बॉन सम्मेलन को ठीक है नहीं नहीं इसे नहीं बोलते सॉरी 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 वो तो साइट्स है साइट्स है सीआईटी -E सॉरी सॉरी इसको काट लेना वॉशिंग सम्मेलन किसे बुलाया जाता है अगर पूछ ले साइट्स का दूसरा नाम क्या है तो वॉशिंगटन सम्मेलन वॉशिंगटन सम्मेलन ठीक है ये प्रवासी पक्षियों से रिलेटेड था तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी जेना ठीक है तो कार्टा जेना विल बी द राइट आंसर ठीक है तो बी इज द राइट आंसर चलो मॉन्ट्रियल 1987 में वेरी गुड ठीक है तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल कौन सी सन में हुआ था ठीक है कार्टाजेना प्रोटोकॉल आपका ये 2000 में हुआ था ठीक है और ये प्रभावी हुआ प्रभावी 2003 से ये प्रभावी हुआ कार्टाजेना ठीक है कार्टाजेना किधर है बताओ कार्टाजेना किधर है कार्टाजेना जैना जगह कहां की है कार्टाजेना इज अ प्लेस ऑफ सर मेरा 88 है ओबीसी प्लीज बताइए बेटा ओबीसी वाले एससी वाले एसटी वाले बयासी में पास है जनरल वाले नब्बे में पास है अब मत पूछना कल से बोर्ड टांग क्या आ जाऊंगा ओबीसी ब्यासी एससी सी बयासी एस टी बयासी जनरल नब्बे काटा जेना काटा जैन कहा है अरे 2002 नहीं 2003 भाई दो एक में सॉरी 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 2000 में हुआ था काटा जैन 2000 में हुआ था ठीक है और ये प्रभावी हुआ कहां कब 2003 में एट्टी वन हूं क्या करूं एस सी एट्टी वन हो तो एक नंबर के लिए वो फाइल कर सकती हो कोई तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारा आंसर सही है तो उसके लिए वो लगा दो बैक्टीरिया लगाया था रॉन्ग हो गया कायदे से बैक्टीरिया गलत है हमें से जानवर आता है उस टाइम कोर्ट रॉन्ग हो गया होगा बट कोर्ट को पहुंचा दिए होंगे बाद में कि भैया शीर्ष उपभोक्ता वही हो होता है मैं कितनी बार तो चल रहा था क्लास में तुम्हारे लिए कि मैंने मैंने लगा है चिल्ला के भी बोला था उस टाइम पे कि 99.9 परसेंट जीवाणु आप लोग सही हो सकते हो क्योंकि कोर्ट ने माना था पहले ये जब आया था बट मैं अपने किसके साथ जाऊंगा सर्वाहारियों के साथ ही जाऊंगा चलो नेक्स्ट थिंग इज निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड पैन नाइट्रिक एसिड या फिर डाइऑक्सिन बताइए तीन चार क्वेश्चन के दो आंसर बताए जा रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है कॉन्ग्रेचुलेशन अनु शुक्ला आगे बताओ ओमर सीट पे कैटेगरी नहीं भरी देख बेटा अगर उसमें इंस्ट्रक्शन में नहीं लिखा हो कि भरना जरूरी नहीं है तो तो कोई दिक्कत नहीं है बट अगर उसमें लिखा हो ओमर शीट सीट में इंस्ट्रक्शन में लिखा हो कि सारी चीज कंप्लीटली फिल करे और अगर आपने नहीं भरा आप ओबीसी के हो आपने जनरल जनरल ओबीसी बी एस सी नहीं भरा हो अगर ये देखो इंस्ट्रक्शन में सब चीज लिखी रहती है अब सुन लो बार बार में ये क्वेश्चन आ रहा है अगर इंस्ट्रक्शन पे लिखा है कि कंपलसरी है भरना तो तो भाई भरना था बट नहीं लिखा तुमने नहीं भरा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कॉपी तो चेक हो जाएगी पर तुम ओबीसी की हो बट मशीन को कैसे पता कि तुम ओबीसी की हो तो वो जनरल के हिसाब से तुम्हारी रैंक बना देगा भाई जनरल में फाइट करना पड़ेगा तुम्हें और ये हो सकता और कुछ नहीं हो सकता और अगर ये लिखा है कंपलसरी तो भाई साहब कॉपी भी रिजेक्ट हो सकती है ठीक है तो वेरी गुड सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्राथमिक प्रदूषक है बाकी के बाकी तीनों के तीनों ये आपके क्या है द्वितीय प्रदूषक है ठीक है ये आपके प्रदूषक है ये बाद में बनते नई चीजों से बनते हैं एक क्वेश्चन आता है कि प्लास्टिक को जलाने पर या पॉलीथीन को जलाने पर जो यौगिक बाहर निकलता है ठीक है जलाने पर लिख लेना कहीं कॉपी में जलाने पर क्या प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन जो भी लिखो आपने जब भी प्लास्टिक पॉलिथीन जलता है तो एक स्मेल सूंघी होगी वो स्मेल यही इसी की आती है डाइक्सिन की चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रकाश संश्लेषण नहीं होता कौन सी लाइट में लाल नीली हरी या फिर सभी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता कौन सी लाइट में लाल नीली हरी सर मैं यूपीटेट में, में फेल हूं नहीं बेटा देखो अगर एक नंबर बढ़ रहा हो तो एक नंबर के लिए पांच सौ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लगा देना एक सौ उन्नीस है मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों डरावे कर रहे है गुरु जी डरावा कहां कर रहे है? है, क्या हो जाएगा नहीं बयासी पे पास हो तो कौन सी लाइट में प्रकाश संश्लेषण नहीं चलता वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हरे कलर की लाइट में आपका प्रकाश संश्लेषण नहीं चलता लाल में सबसे ज्यादा होता है नीले में सबसे कम होता है ठीक है वन भूमि का अनु अनुमानित प्रतिशत जो आदर्श रूप से भारत के पास होना चाहिए वो कितना होना चाहिए कितना फॉरेस्ट कवर होना चाहिए भारत के पास ठीक है वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए ठीक है पचास परसेंट पंद्रह परसेंट तैतीस परसेंट या चवालीस परसेंट कितनी बार ये क्वेश्चन किया अपन ने बताओ हाँ नाइन्टी टू वाले पास हो क्लास कब तक चलेगी क्लास तो चलेगी बेटा अभी तो बारहवें क्वेश्चन हुए ठीक है तीस क्वेश्चन है टोटल वेरी गुड तो होना चाहिए कितना तैतीस परसेंट और ये किस चीज के अंदर कहा गया था मतलब कौन से नियम में आया था कौन से अधिनियम में आया था किस में आया था मतलब ये आपका भारत वन अधिनियम में कहा गया वन अधिनियम में कहा गया वन अधिकार अधिनियम में कहा गया किस चीज में कहा गया था ट्रिब्यूनल एक्ट में कहा गया किस चीज में कहा गया था ये किस चीज कौन से सन में बोला गया था कि इतना होना चाहिए भैया भारत का फॉरेस्ट कवर नहीं बेटा क्षेत्र वालों का नहीं होगा लाइफ टाइम है शायद यू टेट शायद वन अधिकार में कहा गया था वेरी गुड ठीक है आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका बोला गया है ठीक है 1988 में 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 फॉरेस्ट पॉलिसी बोला बोला गया था, में बोला गया था था वन नीति ठीक है राष्ट्रीय वन नीति में बोला गया था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी तुम लोग इतनी जल्दी सारी चीजें भूल जाते हो ना मन करता है, गला बीच दू एक आध का तो क्लास में कितनी बार चीख चीख के तुम्हें राष्ट्रीय वन नीति के बारे में बताया था 1988 में राष्ट्रीय वन नीति आई थी अरे वन अधिनियम हो वन अधिनियम के चाचा हो मार दूंगा एक हाथ को ठीक है गला घोप दूंगा मतलब गला बीच दूंगा ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है 1988 के राष्ट्रीय वन नीति के अधिक अंतर्गत यह बोला गया चलो मछलियों में से कौन सी कीट बक्षी मछली है हिल्सा गिम्बूजिया लेबिया या कैटला हाँ, सौ वाले पास है विश्व विश्वनाथ दीक्षित शायद लाइफ टाइम है उसका भी बाकी मैं कंफर्म करके कल बता दूंगा चलो वेरी गुड तो आपकी कौन सी मछली कीट भक्षी मछली है आपने सी टेट और यूपी टेट में एक मछली के बारे में पढ़ा था जब हम मलेरिया का डिस्कस कर रहे थे कि गंबूसिया मछली मलेरिया के मच्छरों की ठीक है मलेरिया के मच्छरों की इल्ली व अंडे खा जाती है इल्ली व अंडे खा जाती है ठीक है अगर ऑप्शन में अगर ऑप्शन में ये नहीं होती अगर ऑप्शन में लेट अस सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा गया ऑप्शन में गेंबूजिया दी नहीं है ऑप्शन में आपकी गेम्बूजिया दी ही नहीं है तो उस टाइम आप क्या आंसर चूज करोगे अगर ऑप्शन में आपका गेंबूजिया नहीं दिया होता तब आप कौन सी मछली ढूंढते कौन सी मैंने दो मछलियों के नाम बताए थे कि दो मछलियां हैं ठीक है जो आपकी मच्छर की इल्ली हुए अंडे को खाती है एक तो है वर्ल्ड फेमस अगर गेम्बूजिया ना दिया हो तो तो आपका कौन सा आंसर होगा सर कितनी देर चलेगी क्लास अभी तो चलेगी भाई ठीक है तो अगर गेम्बूजिया ना दिया हो ऑप्शन में कभी गेम्बूजिया ना दिया हो तब आपको ढूंढना है क्या दैट इज कैटफिश ठीक है तो कैटफिश भी खा जाती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगला प्रश्न आपका ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क है विच वन ऑफ द नेशनल पार्क महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क मैराइन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ रानी झांसी मेराइन नेशनल पार्क या फिर गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क ठीक है तो भारत का पहला ठीक है इंडिया फर्स्ट ठीक है मैराइन नेशनल पार्क कौन सा और कहां स्थित है ठीक है तो वेरी गुड तो भारत का पहला मैराइन नेशनल पार्क जो है वो है आपका कच्छ की खाड़ी का मैराइन नेशनल पार्क ये आपका 1980 में आपका बनाया था नेक्स्ट थिंग इज आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है ये वाला क्वेश्चन तो आपने जाने कितनी बार किया रट गया होगा तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आपका दूसरा नाम है क्या रियो शिखर सम्मेलन जो कि आपका उन्नीस में, में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था ठीक है चलो अगला क्वेश्चन सिक्सटीन अंगूर के उत्पादन को क्या कहते हैं ठीक है तो देखो सिल्वी कल्चर आपका क्या होता है बेसिकली फॉरेस्ट की कल्टीवेशन ठीक है वनों का उत्पादन है ठीक है वन का उत्पादन मत्स्य उत्पादन मछली उत्पादन को अपन बोलते हैं पिसी कल्चर ठीक है तो ये पेसी कल्चर मछली का सेरी कल्चर ये आपका होता है आपका रेशम कीट का उत्पादन तो अंगूर का उत्पादन वाइन बनाने के लिए ठीक है क्या बोला जाएगा विटी कल्चर बोला जाएगा तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी। इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा डी चलिए अगला क्वेश्चन आपका भूरी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है <laughs> तो देखो दूध के उत्पादन से आपका दूध के उत्पादन से क्या संबंधित है सत्रहवे का क्या होगा दूध के उत्पादन से आपका या तो आप इसे ऑपरेशन फ्लड बुलाते हो या फिर आप इसे बोलते हो क्या ठीक है मिल्क रिवॉल्यूशन ठीक है दैट इज वाइट रिवॉल्यूशन श्वेत क्रांति मछली से नीली क्रांति अंडे से रजत क्रांति ठीक है तो उर्वरक क्रांति आपकी किससे होगी ब्राउन रेवोल्यूशन भूरी क्रांति भूरी क्रांति ठीक है चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी उर्वरक फर्टिलाइजर्स चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में सभी तंतुओं की रानी ठीक है सभी तंतुओं की रानी मतलब आपका देखो जूट आपका जो होता है ये सॉरी कपास जो होता है ये होता है किंग राजा सुनहरा जो होता है गोल्डन जो होता है वो होता है जूट रेशम आपका सबसे पहले ये लंबा फाइबर होता है बाकी सारे छोटे फाइबर होते हैं तो रेशम आपका बोली जाती है क्वीन रानी कभी तो नाम है रेशमी जुल्फे कभी लड़कों को गाना गा के सुना है मतलब लड़कों तो, को तो गाना गाते हुए सुना है कभी लड़कों के लिए कभी गाना बना है ये रेशमी जुल्फे सरवती खे तुम्हें देख के मर रहे हैं सब है ऐसा नहीं होता ना कोई लड़कों के लिए तो सी विल बी द राइट आंसर चलिए अगला क्वेश्चन कोशिका भित्ति मतलब आपकी क्या है एक सेल है एक सेल है ठीक है एक सेल है एक कोशिका है इसके ऊपर एक वॉल चढ़ी हुई है कि कोशिका भित्ति भी है उसके पास और वो सिंगल सेल है मतलब एक ही कोशिका है वो ऐसी नहीं है मल्टी सेल नहीं है ठीक है तो ये कौन सा जीव हो सकता है ये पादप हो सकते हैं पौधे हो सकते हैं ये जंतु हो सकते हैं ये कवक हो सकते हैं या फिर ये जीवाणु हो सकते हैं बताइए सर आप मेरा जवाब नहीं देते हैं क्या बोल लो आप मेरा जवाब नहीं देते होने से पहले एक बार और आ जाएगी यू सी यूपी टेट का तो गारंटी नहीं ले सकते सी टेट आ सकता है कॉन्ग्रेचुलेशन मंजू जी तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी देखे कोशिका भित्ती भी है सेल वॉल भी है और सिंगल सेल है तो सिंगल सेल हमेशा आपके कौन होते जीवाणु ठीक है इसके पास क्या कोशिका भित्ती तो है कोशिका भित्ती है पर ये कैसी होती है बहु कोशिकाएं होती है मल्टी सेल होती है कौन कवक ठीक है जंतुओं में कोशिका वित्ती नहीं होती कोशिका वृत्ति नहीं है ठीक है बट बहु कोशिकाएं होते हैं पादप में आपकी कोशिका वित्ती भी होती है बट पादप आपकी कैसे होते हैं बहु कोशिकाएं होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं इसलिए इसका आंसर क्या है जीवाणु दैट इज आपका एकल कोशिकाएं जीव है और कोशिका वित्ती भी है चलिए किस आधार पर पांच साम्राज्य का वर्गीकरण किया गया ठीक है तो पांच साम्राज्य वर्गीकरण जो 1969 में ठीक है 1969 में विटेकर द्वारा किया गया 1969 में विटेकर द्वारा किया गया ये किस आधार पर किया गया ठीक है पोषण के आधार पर उत्सर्जन के आधार पर प्रजनन के आधार पर या फिर पाचन के आधार पर भरने वाला था ही नहीं लिखने को था तो भाई थोड़ी वो चलो तो वेरी गुड तो बेसिकली किस आधार पर आपका किया गया पंच जगतीय वर्गीकरण का ठीक है क्लासिफिकेशन पोषण के आधार पर किया गया है ठीक है और भी दो पॉइंट होते हैं ठीक है सेल स्ट्रक्चर कोशिका की संरचना और आपका बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है मतलब शरीर की जटिलता इन दो आधार पर भी था बट सबसे महत्वपूर्ण जो आधार रखा गया था वो रखा गया था क्या Portion, तो आंसर दिस क्वेश्चन विल बी ए ठीक है चलो आ जाओ निम्नलिखित में से लेखक महात्मा गांधी लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी ठीक है थे मतलब ये आपकी आ क्या ठीक है करंट अफेयर्स आ गया ठीक तो निम्नलिखित में से कौन लेखक महात्मा गांधी लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी थे मतलब इस किताब के लेखक कौन थे डीजी तेंदुलकर कर्नल जीबी सिंह और सुशीला नैयर उपरोक्त में से कोई नहीं बताइए एक सौ नौ एक सौ चार वो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक सौ नौ और एक सौ चार अच्छा दो अलग अलग आ रहे बताओ लिखने को आया था कैटेगरी भरने को नहीं आया था हाँ तो बेटा मेंशन करना जरूरी होता है मैंने क्या बोला अगर उसमें आ, क्या बोलते हैं ओमर शीट पे इंस्ट्रक्शन में लिखा हो कि सारी चीज मेंशन करना जरूरी है तो तो दिक्कत है भाई तो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है इसके जो आपके लेखक थे इस किताब के वो थे डीजी तेंडुलकर तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए चलिए किस वायसराय ये आपका हिस्ट्री का है हिस्ट्री का है आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री वाले कर सकते हैं किस वायसराय के शासनकाल के दौरान महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद घोषित किया जाता लॉर्ड मायो, ठीक है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड रिपन सर टॉपिक वाइज पढ़ाइए बेटा जीए विकास जीए जनरल अवेयरनेस क्या टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे उसमें जीए तो मिक्स रहती है कहीं से भी कोई भी पूछ लेंगे तो किस वायसराय के शासन शासनकाल के दौरान महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद मेरा क्वेश्चन देख लीजिए जागृति श्रीवास्तव बोलते हुए अच्छा चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है आपका जब दिल्ली दरबार लगा था ठीक है दिल्ली दरबार ठीक है दिल्ली दरबार लगा था कब लगा था दिल्ली दरबार आपका ठीक है 1877 में तो 1877 में ठीक है आपकी जो इंग्लैंड की महारानी थी ठीक है जो कि आपकी क्वीन विक्टोरिया थी ठीक है वो आई थी विजिट किया था उस टाइम पे आपके लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक आपके क्या थे वॉइस रहे थे तो इन्हीं के शासना काल में उन्हें केसरे हिंद मतलब विक्टोरिया को केसरे हिंद ठीक है केसरे हिंद मतलब एम्प्रेस ऑफ इंडिया एम्प्रेस ऑफ इंडिया मतलब आपकी भारत की रानी इसको इसी को अपन केसर ए हिंद बोलते हैं ठीक है कहा गया था ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी ठीक है इस प्रश्न का उत्तर है बी नेक्स्ट थिंग इज इस समूह एक नहीं ये वाला मत करो तो ये टफ हो जाएगा कुमार सौरभ घोषाल किस खेल से जुड़े हुए हैं तो सौरभ घोषाल आपके जो हैं वो कौन से खेल से जुड़े हुए शतरंज से स्क्वैश से क्रिकेट से या मुक्केबाजी से शतरंज से स्क्वाड से किससे जुड़े हुए सौरभ घोषाल ऑप्शनल बेटा रूपा गुप्ता ऑप्शनल होगी चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है सौरभ घोषाल जो है वो आपके स्क्वैश से जुड़े हुए स्क्वैश से जुड़े हुए स्क्वैश गेम से जुड़े हुए और ये आपके पहले भारतीय है जिन्होंने आपका मलेशियन ओपन मलेशियन ओपन टूर्नामेंट को जीता फर्स्ट इंडियन हु वॉन द मलेशियन ओपन टूर्नामेंट अगेंस्ट ठीक है आपके कोलंबिया uh, के एक कोलंबिया के अगेंस्ट किसके किसके विरुद्ध जीता फाइनल में इन्होंने हराया था विश्व के मतलब नामी ग्रामी फोर्थ नंबर का प्लेयर था जिसका नाम था मिगेल रोड्रिक्स मिगेल रोड्रिक्स ठीक है और ये कहां का था कोलंबिया का और इसकी वर्ल्ड रैंक फॉर्मर वर्ल्ड रैंक नंबर फोर थी ठीक है तो इसको हराया था तो पहले भारतीय बने हैं सौरभ घोषाल जो कि आपके स्क्वेस्ट से रिलेटेड है चलिए ठीक है मैकडेलिना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है तो मैकडेलिना एंडरसन इज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री ठीक है आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन फिर अपन मिलते हैं कल सर क्या यूपी ट्रेड में भी कट ऑफ होता है प्लीज बेटा जनरल एससी सॉरी जनरल के लिए 90 होता है एस सी एस टी ओबीसी इनके लिए 82 होता है इतने मार्क्स लाने तब आप यूपीटेट क्वालिफाइड माने हो जाए इवन सी टेट में भी यही होता है सी टेट दोनों का। चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है पहली प्रधानमंत्री बनी है मैकडेलाना एंडरसन ये आपकी बनी है किसकी स्वीडन की ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी चलो तो ये थे आपके तीस क्वेश्चन बोले थे आप तो हाँ तीस क्वेश्चन बोले थे बट तुम लोग अभी तुम्हारा क्या फितूर किस पे चल रहा है यूपी टेट पे ज्यादा चल रहा है ठीक है कर लो देख लो चेक कर लो अपना रेस्ट कर लो कल फिर करेंगे अपन कुछ और नए क्वेश्चन तो टिल देन हैव ए नाइस डे बाय बाय गुड डे टेक केयर थैंक यू